सिक्स नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है हमारा, इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब किसी बॉडी पर अगर वर्क डन अप्लाई किया जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा एस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एक कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया तो डन। तो अगर इसके बीच में हम रिलेशन देखते हैं तो कुछ ऐसा इस तरीके से होता है, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस है ना। तो वर्क डन क्या हो जाता है हमारा, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं यहां से, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूं तो एफ एस आ जाता है, लेकिन अगर हम यहां पर आ रहे हैं तो कई जगह के एस भी लिखा रहता है तो मैं इसको के एस लिख देता हूं। डन क्लियर। इसके आगे कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके डन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज ए 5 यूनिट, यानी ये जो एफ लेते हैं हम अगर, या अभी हमने के लिया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं अगर 5 लू, W इक्वल टू 5s है ना। तो अब यहां से कह रहा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। तो हमें ये पता करना है कि अगर मान लीजिए 2 यूनिट्स होता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो वर्क डन के साथ इसका ग्राफ पे किस तरीके से बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट के लिए लिया, देखिए फर्स्ट की अगर बात करूं तो मैंने s इज इक्वल टू 2 लिया, डन। तो w क्या हो गया, 5 इंटू 2, w इज इक्वल टू 10। क्लियर क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा 2, 10, यानी फर्स्ट क्या है हमारा 2, 10। अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं, जैसे अगर मैंने यहां पे ले लिया कि 0 यूनिट हो गया, s क्या है हमारा 0 यूनिट, व्हेन s इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अब w क्या हो जाएगा, w इक्वल टू f इंटू k इंटू s, k ले रहे हैं तो k ले करके ही आगे चलेंगे, तो k इंटू s यानी 0 इंटू s 0 है हमारा, k की क्या है 5 था, तो w इक्वल टू 5 इंटू 0, तो w क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो सेकेंड हो गया वो 0, 0 हो गया। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट था, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज दिस। तो हमें ग्राफ की मदद से ये पता करना है कि इस तरीके का वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉडी कुछ इस तरीके से, 2 यूनिट के लिए और 0 यूनिट के लिए। क्लियर ना, डन। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। कुछ नहीं था बेसिकली, हमें सिर्फ अगर हमें यहाँ का आइडिया लग जाए तो बाकी चीजें के लिए कुछ नहीं था, है ना, डन। फिर वैल्यू रखनी थी और ये ऑर्डर पे इस तरीके से दिखा देना था।